आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री सी आर पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पे विश्वास रखकर मेरा चयन किया है। आज मुझे जो निर्वाचित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है तो पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा और जो पूर्ण बहुमत की 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार जो आगे बनने जा रही है तो उस दिशा में पहला कदम है। आभार, धन्यवाद। आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री सी आर पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पे विश्वास रखकर मेरा चयन किया है। आज मुझे जो निर्वाचित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है तो पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा और जो पूर्ण बहुमत की 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार जो आगे बनने जा रही है तो उस दिशा में पहला कदम है। आभार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।